शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। विकासनगर जिला देहरादून दिनांक 19/10/2018। आज विकासनगर तिलक भवन में पत्रकार वार्ता करते हुए जिला अध्यक्ष श्री संजय किशोर ने कहा कि अगर हमारे पुराने रूठे कार्यकर्ता पार्टी में शामिल होते तो पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी। आज विकासनगर के पुराने कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता श्री कितेश जायसवाल ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मैं पार्टी का पुराना सिपाही हूँ, पार्टी जो आदेश देगी उनका तन मन से काम करूंगा। देखिए, आज हमारे एक वरिष्ठ कांग्रेस के साथी जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपना लंबा समय कांग्रेस को दिया है, किन्हीं कारणों से थोड़ा पार्टी से नाराज हो गए थे, लेकिन जब हमने उनसे घर जाकर वार्ता करी और कहा कि भाई संघर्ष के दौर में पार्टी को आपकी बहुत ज़रूरत है, निश्चित रूप से उन्होंने शाम को उनका फ़ोन मेरे पास आया। उन्होंने कहा मैं संघर्ष के दौर में पार्टी को छोड़ कर नहीं जा सकता और मैं पार्टी का मजबूती से खड़ा रहूँगा। तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, हालांकि इस्तीफा हर स्तर पर नामंजूर हो गया था, लेकिन आज वो मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा ये बात मैं, क्योंकि इस्तीफा उनका प्रेस में आ गया था, तो इसलिए उन्होंने कहा मैं प्रेस में बुलाकर सार्वजनिक रूप से कहूँगा कि मैं मजबूती के साथ पार्टी से खड़ा हूँ। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उनसे वार्ता करी और उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि आप पार्टी के वरिष्ठ सिपाही हो और आपको पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना है, तो उनके दिशा निर्देश में आज वो दोबारा फिर पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। एक बार फिर विश्वास कायम किया है, क्या कहेंगे? जैसे मैं पार्टी में बहुत पुराने समय से कार्यकर्ता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, लेकिन बीच में थोड़ा सा नाराज हो गया था इन्हीं कारणवश, लेकिन अब वो नाराजगी दूर हो गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से और संजय किशोर जी से बातचीत बैठी हुई है, तो सारी नाराजगी दूर होने के बाद मेरा इस्तीफा उन्होंने नामंजूर कर दिया, इसलिए मैं दोबारा ही कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ा हूँ और 24 घंटे कांग्रेस पार्टी सिपाही बनकर काम कर रहा हूँ। थैंक यू।